कि कितनी भयावह स्थिति वहां पर हो चुकी है। लगातार यही आशंका बनी हुई थी कि आखिर किस तरह से शांत होंगे और अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। बेकाबू हो गए हालात, यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी वहां पर रहती है, लेकिन इसके बावजूद 100 से ज्यादा घरों में घुसते हैं ये सभी उपद्रवी, लूटपाट को अंजाम देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ रहता है। कोई एक्शन इन पर नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। पुलिस भी अपने आप को बेबस महसूस कर रही है, कोई ऑर्डर सुने मिले नहीं है सख्ती के, और इसलिए पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन इस वजह से हौसले जरूर बुलंद हैं इन उपद्रवियों के। कस्बे के श्रीनाथ कॉलोनी में उपद्रवी घुसे, कल भी जिस तरह से इन लोगों ने तांडव किया था, लेकिन बार बार अपील यही की जा रही थी कि वार्ता होगी, बातचीत होगी, जब बात टेबल पर पहुंचेगी तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और आज भी जो बाकी नेताओं के साथ डूंगरपुर के जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था वार्ता के लिए, उन्होंने भी ये बार बार अपील की है कि हम शांत रहने की अपील कर रहे हैं कि शांत वो रहें। लेकिन इस बीच अहम खबर है, प्रदेश के 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डूंगरपुर जा रहे हैं उपद्रव और हिंसा पर नियंत्रण के लिए। 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जा रहे हैं डूंगरपुर, DGML लाठर, ADG दिनेश MN और पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव डूंगरपुर जा रहे हैं। थोड़ी देर में राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, प्रदेश के 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डूंगरपुर जाने वाले हैं, कब तक ये रवाना होंगे? जी सर, तो देखिए 8:30 बजे का समय है हेलीकॉप्टर से रवानगी होने का, हालांकि अभी तक ये एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके हैं। थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचने की बात कही जा रही है। DGML लाठर हैं, उनके साथ में ADG दिनेश MN है और पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव है। ये तीनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जा रहे हैं डूंगरपुर के लिए। हालांकि पहले यह चर्चा थी कि DGP भूपेंद्र यादव भी जाएंगे, लेकिन उनका एन वक्त पर कैंसिल हुआ है। और वहाँ जो स्थिति बनी है, इस तरह का उपद्रव और हिंसा हो रही है, उस पर नियंत्रण के लिए ये तीनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हेलीकॉप्टर से पहले उदयपुर पहुंचेंगे और उदयपुर के बाद डूंगरपुर जाएंगे। आज दिन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी पुलिस अधिकारियों को तलब किया था और इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी, तो इस वजह से ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है और इसी वजह से स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस।